एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, वो क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट ईयर में क्या करें, सेकेंड ईयर में क्या करें, थर्ड ईयर में क्या करें, फोर्थ ईयर में क्या करें। इस सीरीज़ का मकसद एक ही है, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं बीटेक के दौरान वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें, क्या करना चाहिए उनको पता लगे, क्या मिनिमम चीज़ें चाहिए होता है अगर आपको आगे कुछ भी चूज़ करना है वो पता लगे। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है थर्ड ईयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस टाइम तक बच्चा मच जाता है, उसको पता लग जाता है बीटेक कैसे करना है, लिखना कैसे एग्ज़ाम में, ये सब समझ में आ जाता है। अगर अभी तक आपका रिपेयर आ रहा है, बैकलॉग आ रहा है, मतलब क्या आपको बीटेक का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताऊँगा, सो दैट फर्दर जितने भी आपके सेमेस्टर्स बचे हुए हैं, तो अगर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास और 5, 6, 7, 8 चार सेमेस्टर आपके पास बचे हैं, तो आधा बीटेक हो गया, आधा बीटेक है। आधा बीटेक में आप इतना मैच्योर नहीं थे, आपको पता नहीं था बीटेक के बारे में, आपको पता नहीं था बीटेक कैसे पढ़ाई किया था, आपको पता नहीं था टाइम मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे आप। एक चीज़ में अभी भी अगर लैक होता है कम्युनिकेशन का, तो उसके बारे में नॉलेज मिलेगा आपको, हर चीज़ जानकारी बताऊँगा, लेकिन मेनली मेरा फोकस रहेगा आज के वीडियो में थ्री पीज के ऊपर। ये थ्री पीज क्या आपको बताऊंगा, ये थ्री पीज लाइफ चेंजिंग है। ये थ्री पीज को सही से आपने कर लिया, जो भी आपने अच्छा करा बुरा करा सब एक तरफ, और ये थ्री पीज आपका लाइफ को बेटर बनाने का एक तरफ। मैंने कल वीडियो बनाया था, उस पर एक कमेंट आया था, सर पैसा तो ना सब कुछ होता है, जो बता रहा है बेचारा वो पता नहीं क्यों बता रहा है। भाई देखो एक बार बता देता हूँ, सच बात है पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, सब कुछ तो नहीं होता लेकिन सब कुछ ही है। बिना पैसा का कुछ भी नहीं मिलेगा, ना रिस्पेक्ट मिलेगा, ना कुछ खा सकते हो, ना कुछ पहन सकते हो, ना कहीं घूम सकते हो, ना इलाज करवा सकते हो, ना कोई आपको जानेगा, ना कोई मानेगा। सो पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, बट एथिकली, सही तरीके से। पैसा कमाना मोटो नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में हो सकता है, बट आफ्टर दैट हैव मिशन और विजन, सो दैट मनी जो है बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब क्या, आपका काम आपको प्यारा होना चाहिए, पैसा फिर आएगा ही आएगा। अगर खाली पैसा प्यारा होगा तो दिक्कत आ सकता है आपको लाइफ में, बिकॉज आप फिर अंडर टेबल पैसे लेना शुरू करेंगे अगर कहीं भी ऑफिसर वगैरह लग गए, सो दैट इज़ नॉट गुड। आपका काम होगा क्या, आपका मिशन होगा कुछ काम करना, जैसे मेरा मिशन पैसे कमाना बिल्कुल भी नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है, पैसे कमा रहा हूँ मैं, है ना। बट मेरा मिशन क्या है, जितना मेरे पास नॉलेज, जितना मैं नॉलेज जो नहीं है वो इकट्ठा करूँ कहाँ से, है ना, और उससे आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप बेहतर लाइफ जी पाएं, आपने लाइफ में बेटर कर पाएं। मेरा एक ही मकसद है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को मैं चीज़ें सिखा पाऊं, और सबसे बेस्ट जरिया है वो है इंटरनेट। नहीं तो यार पढ़ाई रहा था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में, वहाँ पढ़ा रहा होता, 5 साल पढ़ाने के बाद ऑनलाइन क्यों आया, बिकॉज मुझे ज़्यादा बच्चे को मेरे पास जो है देना था, बिकॉज लाइफ में मैंने कुछ किया है, ऐसा नहीं फ्री में ज्ञान बांट रहा हूँ भाई, कुछ किया है तभी मैं स्टेप्स बता पाता हूँ, तभी मेरे स्क्रिप्ट्स नहीं होता है, बिना स्क्रिप्ट्स के मैं वीडियोस बनाता हूँ, नो स्क्रिप्ट नथिंग, ठीक है। मेरे को अपने एक वीडियो बनाने के लिए हार्डली मेरे को प्रिपरेशन चाहिए होता है 5 मिनट, कैमरा सेट करना होता है थोड़ा सा, उसमें मेमोरी कार्ड डाल के, और इसमें कुछ लिखना होता है ताकि टाइम बच जाए। यहाँ पर आ जाओ, टाइम विल नेवर कम बैक, ये जो थर्ड ईयर का टाइम है बहुत क्रूशियल है, एक का टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। सबसे पहला आपको अपने आप को तैयार करना है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एक तो 10th 12th होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स के लिए, बट बीटेक में भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बहुत सारे प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और आपके पास टाइम है उस मिनिमम एलिजिबिलिटी को मीट करने का। हमारे टाइम में मैंने कभी नहीं देखा 60 or 65% से अबव कोई भी कंपनी मांग रही है, बट नाउ टाइम इज चेंजिंग, बहुत टाइम चेंज हो रहा है। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 2 साल से मैं देख रहा हूँ एक रिक्रूटमेंट निकला है हॉल का, ये 2023 का रिक्रूटमेंट है, इसमें देखोगे मिनिमम परसेंटेज कितना मांगा है ये सारे के लिए, कितना 70% मिनिमम मांगा है। तो आपका CGPA 7 नहीं, 70% मिनिमम आपका बीटेक में होना चाहिए, बट फॉर सेफ साइड मैं बोलूँगा भैया 75% मिनिमम टारगेट करो, अभी 4 सेमेस्टर बचा है ये करना है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं आ रहा है, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, यू अनेबल टू राइट वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, यू गॉट द पॉइंट बट अनेबल टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश ऑन द आंसर सीट, यू डोंट नो हाउ टू राइट इन द एग्जाम,
यू नो द आंसर, यू आर राइटिंग इट बट नॉट गेटिंग वेरी गुड मार्क्स माई डियर, देन देयर इज ए प्रोग्राम डिजाइन बाई मी बिकॉज आई हैव फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स इन 10th क्लास, इन 12th क्लास, इवन इन फर्स्ट ईयर बीटेक. After learning such concepts, after learning such things, right, I have applied and got amazing result. That is what, my dear, 6 बार लगातार ब्रांच टॉप किया था, कॉलेज में टॉप किया काफ़ी बार, एज वेल एज भाई साहब यूनिवर्सिटी में पोजिशन आया है. सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंग्लिश कोर्स के नाम से, उसमें 3 चीज़ सिखाता हूँ, बोलना है ना बिल्कुल 0 लेवल से, एग्जाम में लिखना और कैसे पढ़ाई करना, ये बहुत ज़रूरी है सारे बीटेक बच्चों के लिए. बिकॉज एक बार अगर परसेंटेज कम आ गया तो आप मिनिमम एलिजिबल नहीं हो उस फॉर्म को भरने के लिए, फॉरगेट अबाउट गेटिंग स्किल एंड ऑल. तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या करना है, मैथ्स करना है. तो इसलिए पहला ही पी मेरा क्या है, परसेंटेज. परसेंटेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू सिट फॉर एन इंटरव्यू, इन ऑर्डर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हमारे पास पी क्या आता है, अभी थर्ड ईयर में आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा प्रोजेक्ट्स बनाने का, तो भाई खरीद के दे मत देना या फिर इस दोस्त से मत बनवा लेना. जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो खुद से करिए, चाहे आप किसी ब्रांच से हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है छोटा प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट ऐसे पकड़ना जो कंप्लीट हो जाए टाइम से, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो प्रोजेक्ट खुद से बनाना है, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, बिकॉज प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया तो खुद सीखोगे, आप देखोगे चैलेंजेस क्या क्या आता है. तो मुझे पता है आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर यू आर फॉलोइंग इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी. सो उसमें जो स्ट्रक्चर है, अगर कोई मेजर प्रोजेक्ट होगा उसमें बोलेंगे टीम मेंबर्स काम करो, तो कोई प्रोजेक्ट आप उठा रहे हैं दो चीज़ें देखना, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाओ, ऐसे प्रोजेक्ट उठाना. आधा उधर प्रोजेक्ट बनाओगे तो फालतू नंबर कट जाएंगे आपके, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अच्छे मार्क्स लेने का चला जाएगा. प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कितने मार्क्स का प्रोजेक्ट है आपका मुझे पता नहीं, बट 90% 95% बड़े प्यार से मिल जाते हैं. सो डू नॉट लूज दैट अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर परसेंटेज और ग्रेड्स, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. बिकॉज एक कॉलेज में अभी रिक्रूटमेंट हुआ था, उधर मैं देख रहा था एक बड़ी कंपनी ने रिक्रूट करा, लगभग 5-6 बच्चे थे, उसमें से 5 बच्चों को उन्होंने लिया, सबका परसेंटेज देखा 9.5 प्लस CGPA था बीटेक का. समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई बोले यूट्यूब ना परसेंटेज मैटर नहीं करता है, 95% गलत है, 10% सही है, वो कैसे कभी और बताऊँगा. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, प्रोजेक्ट्स हो गया, परसेंटेज हो गया, ये 3 बहुत ज़्यादा, जो थर्ड नंबर पी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ करना सीखना, मतलब एक चीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, प्लानिंग. हर चीज़ का प्लानिंग करिए, हर दिन का प्लानिंग करना शुरू किया, आज का मेरा दिन का क्या क्या मुझे करना है. प्लान योर एवरी डे, कब प्लानिंग करना बेस्ट है, सुबह नहीं, जैसे आज का मुझे प्लान करना है तो मैं कल रात को प्लान करके सोऊंगा. प्लान माइंड में नहीं करना है, लिख के प्लान करना है, चाहे कंप्यूटराइज फॉर्म में या फिर हैंड रिटन, जो भी लिखना है लिखो. फिर रात में सोओगे, सोने से पहले देखो कौन कौन से प्लानिंग आपने जो करा था सही कर पाए. ये क्यों बता रहा हूँ, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट माई डियर, इन ऑर्डर टू बी इन डिसिप्लिन, इन ऑर्डर टू फॉलो वट यू हैव ऑलरेडी प्लान फॉर दिस. ये काम आएगा जब आप कंपनी में जाएंगे. हर कंपनी में क्या होता है, चाहे आप IT में हैं, कोर इंडस्ट्री में जाओगे कंपनी में, छोटा सा शॉर्ट मीटिंग होगा स्टार्टिंग में, बहुत सारी कंपनी में ऐसा ही होता है 80% जगह पर. उधर क्या होता है, प्लान होता है, आज का प्लान क्या है, आज हमें कितने प्रोडक्ट्स बनाना है, आज हमें कितने जो भी ब्रेकडाउन हुआ उसको ठीक करना है, ये सब चीज़ें होता है. हालांकि ब्रेकडाउन के टाइम में तो कोई टाइमिंग नहीं होता है, जब तक ठीक ना हो तब तक रहना पड़ता है कंपनी में. जो भी मेंटेनेंस हैं उनको पता है क्या चीज़ होता है, बिकॉज मैं गया हूँ ऐसे कंपनीज़ में, मेरे काफ़ी दोस्त काम करते हैं कोर इंडस्ट्री में, मैं गया हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी काम करते हैं काफ़ी जगह. सो आई हैव गॉन टू सच इंडस्ट्रीज, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सब जगह जाके आया हूँ भाई. एक छोटा इंडस्ट्री में जा चुका हूँ जहाँ पर सिर्फ 50 लोग काम करते हैं, और ऐसे भी इंडस्ट्री में गया हूँ जहाँ पर 5,000 लोग काम करते हैं एक प्लांट के अंडर, बट अब तो ऑटोमेशन आ गया, पहले की बात कर रहा हूँ. 5,000 आई थिंक 4,000 प्लस लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी प्लांट था, बहुत बड़ा. ठीक है, चलो, तो यहाँ पर प्लानिंग करना शुरू करना है आपको. प्लानिंग करना एक कला है, ये आर्ट है, ये एकदम से नहीं आएगा. सही प्लानिंग करना सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. तो अभी से अगर स्टार्ट करेंगे प्लानिंग करना तो स्लोली स्लोली आप मंच जाएंगे प्लानिंग कैसे करते हैं. हर चीज़ का प्लानिंग, लाइफ का प्लानिंग, हेल्थ का प्लानिंग, फाइनेंस का प्लानिंग, उसके बाद सेटलमेंट का प्लानिंग, ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. अच्छे पैसे कमाने का प्लानिंग, अच्छी नौकरी का प्लानिंग, अच्छे बिजनेस का प्लानिंग, तो कोई गारंटी नहीं है जो प्लान आप बनाएंगे उस अकॉर्डिंग चलेगा.
पर प्लान पहले से बना लोगे बेटर हो सकता है विदाउट प्लान से, दैट आई एम टेलिंग यू माई डियर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जो भी चीज़ हम प्लान अगर करते हैं वो बहुत बेटर होता है। सो प्लानिंग कैसे करें, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपना एक मिशन या फिर टारगेट बनाना है, उसका मेन टारगेट क्या है, उसके बाद क्या है काम आपके पास करना है, आपको करना है उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए। दैट इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक फॉर डूइंग प्रॉपर प्लानिंग। उसके बाद क्या करना है, स्लोली स्लोली अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। कभी भी स्टार्टिंग में बहुत हार्ड प्लान मत बनाइए, ऐसे प्लान बनाइए जो आप फॉलो कर पाएँ, और उससे थोड़ा 10% डिफ़िकल्ट बनाइए ताकि आप थोड़ा सा अपने एबिलिटी को इम्प्रूव करो स्लोली स्लोली। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास के अगर मैथ्स दूंगा आपको, आप सारे इजिली सॉल्व कर लेंगे बिकॉज आपका हैबिट बनेगा वैसे क्वेश्चन बनाने का। लेकिन थोड़ा याद करिए पहले क्लास मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री का मान लो 9th क्लास में, या फिर 8th क्लास में मान लो बिजनेस का मैथमेटिक्स, SI और CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। दिमाग से क्या है यार ऐसे सोचते हैं, लेकिन अभी क्या सोचते हैं बड़ा आसान है, समझ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग की बात कर रहा हूँ। तो उस तरह का बात है, हैबिट बना लोगे मज़ा आएगा। तो लास्ट जो हमारा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे थर्ड ईयर में हैं तो आप क्या करना, गेट का फॉर्म फिल जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट एग्ज़ाम जो है Tier 3 बच्चों के लिए, Tier 2 बच्चों के लिए गेम चेंजर है। Tier 1 बच्चों के लिए फ़ायदा क्या है, ये जो गेट के थ्रू जो मेन बेनिफिट मिलता है दैट इज़ PSUs में जॉब मिलना, वो Tier 1 बच्चों को ऑन कैंपस में ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है बहुत सारे कॉलेजेस में। मतलब ये जो PSUs हैं, आधा सरकारी आधा आपका शेयर मार्केट, ये सारे बहुत सारे कंपनीज डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए जाते हैं कहाँ पर, कॉलेजेस में। लेकिन ऐसा नहीं 200 बच्चों को उठाते नहीं, 5-10 ऐसे बच्चों को रिक्रूट करते हैं, बट कुछ जगह पर देखा हूँ इस साल भी मैंने देखा है जहाँ पर मल्टीपल PSUs गए थे रिक्रूटमेंट के लिए, 5-7 PSUs, 4 देखा था मैंने, 5 देखा था ऐसे, 2-4-10 बच्चों तक लिया, मतलब एक जगह से जहाँ पर मान लो 1000 बच्चा है टोटल एलिजिबल है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, वहाँ पर देखता हूँ 50 बच्चों को उन्होंने ले गया PSU में ले गए। तो विच इज़ रियली गुड, 5% बच्चे खराब नहीं है PSUs में डायरेक्ट जा रहे हैं, दैट इज़ रियली गुड। प्लेसमेंट का पैकेज अच्छा होता है, 16 लाख 18 लाख होता है, विच इज़ अगेन रियली गुड। ठीक है, तो इस तरह कहानी है, गेट का फॉर्म आपको सबको भरना है, जो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए वरदान है ये एग्ज़ाम। आप MTech भी कर सकते हो, हालांकि अलग बातें हैं उस बात करेंगे, बट अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता रहा हूँ, और PSUs में जा सकते हैं, ये दो अपॉर्चुनिटीज़ बड़े अपॉर्चुनिटी है आफ्टर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन गेट। क्रैक करने से कुछ नहीं मिलता आपको बता दूँ, कई लोग जानता हूँ 6 बार क्वालिफाइड हैं कुछ नहीं हुआ उनका, ठीक है, बट कुछ लोगों जानता हूँ 2 ही बार क्वालिफाई करा, बहुत अच्छा स्कोर करा भाई, बहुत कुछ हो गया, ISC से बेंगलोर से MTech कर लिया, या फिर IIT बॉम्बे से MTech कर लिया, या फिर किसी और IIT से MTech कर लिया, उसके बाद वो आगे कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, वो आगे बताऊँ नहीं क्या कर रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या करना है, ये पहला हो गया, दूसरा ट्राई समथिंग न्यू। ये टाइम है कुछ बिजनेस अगर प्लान कर रहे हो कुछ भी, बट हमेशा क्या करना, डू नॉट सेक्रीफाइस योर स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बिजनेस जो प्लान कर रहे हैं आगे भी कर सकते हैं आप, अभी ट्राई करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अभी टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है। आप बोले मेरे पास टाइम नहीं है, आप थर्ड ईयर में, तो आपने अपना टाइम को सही से मैनेज नहीं करा मेरे दोस्त, आपने अपने पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाए। अगर सही से मैनेज करना सीख जाओगे, जो मैंने कोर्स में बता रखा है अपने इंग्लिश वाले कोर्स में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका ब्राइट फ्यूचर के लिए क्या बेटर है, क्या ऐसा तो नहीं आपने जो प्लान कर रखा है वो गड़बड़ वाला प्लान कर रखा है, ऐसा तो नहीं जो प्लान आपने कर रखा है जिस जो आपने सोच रखा है वो बहुत ही डिजास्टर हो सकता है अपने दोस्त ने जो बता दिया, या फिर ऐसा हो सकता है वो अच्छा है बट उसमें कुछ और ऐड कर दें बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो चीज़ प्रॉपर प्लानिंग जानने के लिए आपका आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट मैंने पिन कर दूंगा, वो होता है लाइव, आप होते हो मैं होता हूँ, प्राइवेट होता है, ऐसा नहीं रिकॉर्डेड और यूट्यूब पर डाल दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं, प्राइवेट होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो XYZ, यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू आंसर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस। हाँ, ऐसा नहीं नेट पर देख के बताऊंगा, ऐसा नहीं भाई, वट एवर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, बिकॉज ऑलरेडी मैं 2000 के आसपास बच्चों को कंसल्ट कर चुका हूँ लास्ट 2 ईयर्स में, सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। ठीक है, सो ब्राइट फ्यूचर को आना है आपको, यहाँ पर ट्राई समथिंग न्यू मतलब क्या, कुछ भी आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना, सोशल मीडिया का ट्राई करना, कुछ
कंटेंट क्रिएशन में आप अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा भी है जरूर ट्राई करिए। ये बहुत बड़ा है, जैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना, लिंक्डइन पर वीडियो बनाना, फेसबुक पर वीडियो बनाना, व्हाटएवर। बट थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल, किसी को गाली गलौज नहीं करना है। सो फंडामेंटल को थोड़ा सा ठीक करके आपको ये सब, ये डेफिनेटली ट्राई करिए सोशल मीडिया, इट विल हेल्प यू लॉट, बिकॉज ये गेम चेंजर है। ये जो प्लेटफॉर्म है, इट कैन चेंज योर लाइफ बाय 360 डिग्री, माय डियर। सो ट्राई टू यूज इट, बट आफ्टर क्लियरिंग एटलीस्ट लिटिल बेसिक कंसेप्ट अबाउट इट, सो दैट यू कैन डू इट विथ बेटर अप्रोच, यू कैन डू विथ, यू कैन से दैट यू कैन विल डू विथ विथ सम बेसिक कंसेप्ट, सो दैट यू कैन डू बेटर देन अदर्स दोज डोंट हैव बेसिक कंसेप्ट एंड दे आर ट्राइंग यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। सो यहाँ पर क्या है, तीसरे नंबर पर आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रिपरेशन में ही आता है, आप क्या करना, एप्टीट्यूड पर ध्यान देना, ये सरकारी नौकरी का गेटवे है। रीजनिंग पर ध्यान देना, ये सरकारी नौकरी का गेटवे है। जीके पर ध्यान देना, ये सरकारी नौकरी का गेटवे है। ये सब चीज़ सीखना चालू करिए, जीके के किताब बाय करो, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब सीखना चालू करो, बहुत काम आएगा। बोलोगे सर ऐसा ही कोई है क्या आपका कोई कोर्स है कैंपस प्लेसमेंट के लिए? यस, कैंपस प्लेसमेंट कोर्स है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। उसका अभी प्राइस शायद कम है, बट 499 रुपीज़ का प्राइस होगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बट ये चीज़ आप कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्री में भी सीख सकते हो यूट्यूब से, या फिर आपका किसी भी जहाँ पर फ्री में सिखा सकता है कोई यूट्यूब, या किताब बाय कर लिया, लेकिन डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए विद सम एक्स्ट्रा सॉस और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, ये सब, तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हो, जो कैंपस प्लेसमेंट कोर्स हमारा एक है, उसमें आ सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, तो कहानी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो फोर्थ पॉइंट है, विच इज़ अगेन रियली रियली इंपॉर्टेंट माय डियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड एंड टू फॉलो एज वेल। सो उसमें क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, लाइफ का सिंपल प्रिंसिपल है, अगर एवरेज चाहिए तो जो पहले कर चुके उनको फॉलो करो, लेकिन कुछ बेहतर करना है, कुछ बेटर करना है, कुछ अलग करना है, देन माय डियर एक ही चीज़ है आपके पास, आफ्टर लर्निंग बेसिक कंसेप्ट, हीट एंड ट्रायल मेथड। इसका कोई तोड़ नहीं है, हीट एंड ट्रायल मेथड। और इस तरह का हीट एंड ट्रायल मेथड मैं खूब अप्लाई करता हूँ, और मेरे को काफ़ी बार इसका ह्यूज बेनिफिट्स मिला है एज कम्पेयर टू एनीबडी। मतलब एक बात तो है, बोलते हैं सोनिया खदान जिसके पास है वो बल्ले बल्ले बोलता है, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करोगे सोने का खदान आपको काफ़ी बार मिल सकता है, ऐसा नहीं हर बार मिलेगा, बट कुछ ऐसे चीज़ हाथ लग जाएगा जो लीगल भी है बट अमेजिंग है, बिकॉज उस चीज़ तक लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। और इन जनरल लोग उस चीज़ तक पहुंचते हैं जो अच्छे फील्ड में रहते हैं, एज वेल एज 5-10 साल अपना एफर्ट देते हैं विदाउट हैविंग टू मच, बोल सकते हो ग्रीडी फॉर मनी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रीडी रहोगे पैसे के लिए तो वो चीज़ मिलता नहीं। फिर पैसा सबको चाहिए यार, मेरे को भी चाहिए, बट काम पर ध्यान देना है। 10 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, 5 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो चीज़ें ऐसे मक्खन की तरह आप कर पाओगे, जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता था पहले वो बहुत आसान लगने लगेगा, बिकॉज आपका हैबिट बन जाएगा डिफिकल्ट काम को करते करते, फिर सारे डिफिकल्ट काम आपको आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली, ये करना है आपको जितने भी बच्चे हैं। और जो छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ, कम्युनिकेशन को बेस्ट करना, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश माय डियर विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन योर माइंड व्हाइल स्पीकिंग, सो दैट यू विल हैव प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, राइट? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो टू अचीव सच फ्लुएंसी लेवल, जो इंग्लिश का कोर्स है उसमें जाना, उसमें मैं कुछ और कर रहा हूँ, बट वो आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली एट द बिगिनिंग इवन टिल इंटरमीडिएट लेवल, आफ्टर दैट आई एम प्लानिंग समथिंग, आई विल टेल यू लेटर ऑन। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या है, शरीर पर ध्यान देना है। शरीर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आजकल, बिकॉज जो भी आप खा रहे हो बहुत ज़्यादा मिलावटें हैं, इसलिए जो बीमारियां 50 के बाद आ रहे थे अभी आना शुरू हो गए 20, 22, 25 के उम्र में। सो इन ऑर्डर टू एवॉइड सच सिचुएशन, बिकॉज शरीर खराब हो गया मेरे दोस्त, ये 90% कुछ काम नहीं आता है, ये 10 करोड़ भी कुछ नहीं काम आएगा शरीर खराब हो गया तो। आपका शरीर खराब मतलब क्या बोल रहा हूँ, कुछ पार्ट्स में दिक्कत आ गया बॉडी के, तो सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट माइंड टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन सी आई डी योर माइंड,
बट आप अगर शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखना चाहते हो, सोने के टाइम थोड़ा ठीक कर लो, खाना पीना बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, घर का खाना खाना है। उसके बाद क्या करना है, फ्रूट्स खाने हैं, योगा, जॉगिंग, वॉकिंग ये डेली करना है आपको 1 घंटा, और ताकि पसीना आए, तो आपका शरीर ठीक रहने का चांसेस बहुत हाई है। और एक चीज़, थोड़ा एक्सक्लूजन देख के अगर पैसा वैसे थोड़ा बहुत है तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, छोटा सा, चाहे 3 लाख का, इट विल हेल्प यू। भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, बट ये हेल्प करता है, मेरे को हेल्प करा था एक बार, मेरे तो जेब खाली हो गए हो जाते। एक बार माइनर एक्सीडेंट कारण मेरा हाथ टूट गया था, तो उसकी वजह से मेरा बहुत पैसा लगता। दिल्ली में था उस टाइम, दिल्ली में रह रहा था मैं, ये 4-5 साल पहले की बात है, तो उस टाइम दिल्ली में तो बहुत पैसा लगते हैं यार, बुखार होने का पैसा दिल्ली में अलग लगता है। मेरे नोन के डेंगू हो गया, अगर मान लो उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, पता नहीं कितने रुपये आया था, है ना, तो उसका सही हिसाब किताब हो गया। बिकॉज मैंने उसको बोला तब ले ले भाई, मज़ा, मतलब कम से कम उस वक्त आपका जेब तो नहीं खाली हो जाएगा ना, कम से कम, बल्कि एक्सक्लूजन देख लेना, सही कंपनी से लेना। तो ये चीज़ें हैं आपका। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ कोर्स में जाओ ना जाओ, बट ये सारे जो कोर्सेज बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, और मोज मारो, थैंक यू।